भारतीय जनता पार्टी ने 2013, 18 और 23 में मुझे टिकट लेकर के और जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं पार्टी के सभी पदाधिकारी, केंद्र और प्रदेश और जिले के सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ ही मैं जनता का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि जनता ने मुझे इतना समर्थन दिया है कि उन्होंने जो सर्वे हुआ उस सर्वे के अंदर मुझे श्रेष्ठ रखा, ऊपर ही ऊपर रखा, चाहे वो जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे केंद्र का हो, उसी के आधार के ऊपर मुझे ये टिकट मिला है। और मैं उसके ऊपर खड़ा उतरने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए जो भी मेरे मुद्दे हैं उनमें सर्वप्रथम जो पानी की सीकर में जिले में पूरी कमी है उसमें दो लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर तो पहले से आ चुके हैं, लेकिन ये जो 6 विधानसभा है उनमें पानी कुंभाराम योजना को पास करवा करके और पानी लाने का सबसे पहले काम करूंगा। उसके साथ ही नवलगढ़ और खुड़िया जो कि काफ़ी वर्षों से जनता की डिमांड है वो मैं 2017 के अंदर पास करवा चुका था, लेकिन सरकार बदलने की वजह से वो नहीं बन सका। और अब मैं आप लोगों को विश्वास देता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर ये नवलगढ़ और खुड़िया को चालू करवा करके और काम पूर्ण करवाऊँगा। और इसके अलावा जो हमारी ये मिनी सचिवालय है, क्योंकि सीकर शहर एक बहुत बड़ा शहर हो गया है, ये शिक्षा का हब हो गया है, यहाँ के ऊपर दिन भर जाम लगा रहता है, तो जो कलेक्ट्रेट के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है उन सब को मिनी सचिवालय के रूप के अंदर वसुंधरा जी द्वारा दी हुई उधर सावली रोड के ऊपर जमीन में पूरा मिनी सचिवालय का भवन बनवा करके और 3 साल के अंदर वो बिल्डिंग कम्प्लीट करवाने का भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसके लिए प्रयास करूँगा और ये काम अवश्य रूप में करूँगा। तो ये आप लोगों ने देखा है कि 2013 से 18 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं विधायक था उस समय मेडिकल कॉलेज हमारे समय में आई, जो कि मेडिकल कॉलेज पहले से पास थी वो शुरू चली गई थी, लेकिन हमारे स्वामी जी के प्रयास से नरेंद्र भाई मोदी ने 198 करोड़ रुपये लेकर के और मेडिकल कॉलेज को प्राप्त किया, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ ही यहाँ यूनिवर्सिटी जो कि आज देखने लायक बिल्डिंग बनी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी काम हमारे 13 से 18 के बीच में हुआ वो आपको देखने लायक है। और इसके साथ ही एक कॉलेज SK कॉलेज, वो कॉलेज इतनी बड़ी हो गई थी कि उसमें संख्या तो ज़्यादा थी और जगह कम थी और वहाँ भीड़ भाड़ लगी रहती थी, तो इसलिए मैंने एक कॉलेज की 5 कॉलेज करवाई और जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। उसमें एक कॉलेज जो कटरा के अंदर बनाई गई थी उसको 6 करोड़ रुपए दे करके वो बिल्डिंग बनाई और आर्ट्स कॉलेज को वहाँ चेक करवाया। इसके साथ ही साइंस कॉलेज को ये सबलपुरा के पास में बैरूपुरा के अंदर ये कॉलेज बना करके और वहाँ शिफ्ट किया और कॉमर्स कॉलेज को सावली रोड के ऊपर बिल्डिंग बना करके और वहाँ शिफ्ट किया और विधि कॉलेज को दासाई ढाड़ी में शिफ्ट किया और जो मेन कॉलेज बची उस कॉलेज के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनाई जिसमें 3 फैकल्टी है, PG है और जो आज राजस्थान की सबसे बड़ी कॉलेज है उसमें जो संख्या है वो राजस्थान में किसी भी कॉलेज के अंदर नहीं है। तो इस तरह से विकास का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और अब आप लोग सतर्क होकर के और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएं और उसमें हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हमारे जो काम अधूरे हैं उन सब काम हमारे पूरे होंगे। और मैं जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि 10 साल के अंदर मैंने जनता की सेवा की है वो सेवा करता रहूँगा। जय भाजपा, जय भाजपा।